हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या सिलेबस होते हैं जो पढ़ने होते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस की बात करें तो पहला बेसिस ऑफ कंप्यूटर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा बेसिस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज, बेसिस ऑफ सेपरेटेड शीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग। ये सभी आपका सिलेबस है जो कि आपको एक एक करके कंप्लीट हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट आपका जो लेसन है बेसिस ऑफ कंप्यूटर, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप चाहिएगा तो इस सिलेबस को वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं, पहला लेसन है बेसिस ऑफ कंप्यूटर, उस पर लेसन फर्स्ट बेसिस ऑफ कंप्यूटर। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक कंप्यूटर का पिक्चर है। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब कंप्यूटर में डिफिकल्ट वर्ड है, आप सोच रहे होंगे कि डिफिकल्ट वर्ड है क्या, तो हम एक एक करके उस वर्ड को देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए पहला आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉनिटर। अगर आप कंप्यूटर देखे होंगे तो कंप्यूटर में क्या होता है ना कि एक जो डिस्प्ले होता है जिस पर हम लोग कोई भी पिक्चर या कोई इमेज या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह जो हम लोग काम करते हैं, वो जो देखते हैं सामने स्क्रीन जो होता है, वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर को हम लोग VDU भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर जो पहले यूज होता था, ठीक है ना, वो CRT मॉनिटर यूज होता था। जैसे आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा या रंगीन टीवी वाला, ठीक है ना, जो इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है CRT, ठीक है ना, इसको हम लोग CRT मॉनिटर बोलते थे। और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। चलिए फिर है आपका LCD है, LED है, जो अभी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब मॉनिटर पे एक और बात करें, अभी हम लोग को ये नहीं जानना है कि मॉनिटर कैसा डिवाइस है ना, वो सारा चीज़ नहीं जानना है। अभी सिर्फ हम वर्ड को पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सा चीज़ होता है, ठीक है ना। इस पर हम लोग पूरा फुल्ली तरीके से आगे चर्चा करेंगे जब हम मॉनिटर चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक CPU ऐसा, ठीक है ना, इसी को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। और सिस्टम यूनिट को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब इसका जो वर्क होता है, ये क्या होता है कि हम जब भी कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो सिस्टम यूनिट जो होता है वो प्रोसेस करने का काम करता है, यानी जो हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्डर पे वो काम करता है, फिर वो काम करके हमें आउटपुट शो करता है। अब यहाँ पे इनपुट कैसे हो रहा है, इनपुट किस चीज़ से करते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो समझ गए कि CPU के द्वारा यानी सिस्टम यूनिट के द्वारा होता है, आउटपुट कैसे आता है, तो ये सारा चीज़ फिर हम आगे देखेंगे। बस आपको ये जानना है कि इसको क्या बोलते हैं, तो CPU बोले या फिर सिस्टम यूनिट बोले, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में इस पार्ट को, तो आपने बताना है सिस्टम यूनिट या फिर CPU, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग स्पीकर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर बात करें तो उसमें साउंड नहीं होता है, साउंड के लिए आपको अलग से स्पीकर का यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करें हम माउस की, तो माउस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो बटन होते हैं लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच वाला जो यहाँ पे ये जो है दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी एक बटन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग माउस के बारे में देखें कि इसको माउस कहते हैं, इसमें लेफ्ट बटन होते हैं, राइट बटन होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि लेफ्ट राइट कौन बटन है, है ना, तो आप जब माउस को पकड़िएगा, ठीक है, तो आपका जिस साइड लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट बटन हो गया, जिस साइड राइट हैंड है उधर राइट बटन। जब दो उंगली से पकड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब माउस की बात करें तो माउस ऐसा नहीं कि घर में जो माउस होता है वो वाला नहीं, ठीक है ना, ये कंप्यूटर वाला माउस है। नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और जब आप कंप्यूटर देखोगे तो ऐसा कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यही कीबोर्ड से हम लोग इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं और मैथ्स भी, ठीक है। और इसमें बहुत ऐसे सिंबल होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको एक ही कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। और इससे हम यूज़ करके, इसका यूज़ करके हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स,
है ना, कोई भी सिंबल वगैरह देते हैं, ठीक है। आगे बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो होता है वो टेक्स्ट फाइल को या इमेज को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है ना। और एक होता है स्कैनर, तो उससे स्कैन होने का काम करता है ना। अब प्रिंटर से भी हम लोग अब प्रिंट भी कर लेते हैं और स्कैन भी कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो आप पूछेगा कि प्रिंटर से क्या प्रिंट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट फाइल प्रिंट करते हैं या फिर इमेज प्रिंट करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेब कैम। वेब कैम होता क्या है, एक कैमरा होता है, ठीक है ना, जो ऑनलाइन वर्क करता है। जैसे कि आपको अगर कहीं बातें करनी है, ठीक है, जो विजुअल दिख सके एक दूसरे को, तो आप वेब कैम डेस्कटॉप में यूज करके आप बात कर सकते हो। इसका यूज हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं, ठीक है ना। अब बात करें, जैसे कंप्यूटर जो होता है ना, वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हार्डवेयर, और हार्डवेयर के इतने सारे पार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर में कौन है नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सारे का सारा हार्डवेयर है, ठीक है ना। अब इसको पहचानने का तरीका अगर बोलें, तो अगर हम कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स यानी फिजिकल पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे सी एंड टच, यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है ना, सी एंड टच। तो कंप्यूटर में देखिएगा, मॉनिटर को आपने देखा और टच किया, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, हार्डवेयर पार्ट्स हो गया, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, रैम, फैन, प्रोसेसर, स्कैनर, माउस वगैरह, ये सब जो भी है आप देख रहे हो, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स है। यानी सिंपल आपको ये पता करना है कि अगर हम जिस चीज़ को देखते हैं और छूते हैं, वो सारा का सारा हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो अब मैंने बोला था कि कंप्यूटर अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके ही कंप्यूटर वर्क करता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जैसे आप अभी मेरे को स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो आप देख रहे हो, तो जो आप देख रहे हो ना वो सॉफ्टवेयर है, और हाथ में जो आपने मोबाइल पकड़ रखा है वो आपका क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स है। तो जो आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो ना वो आपका सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा इतने सारे एप्लीकेशन के आइकन वगैरह दिख रहे हैं, तो आप समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर हम लोग किसको कहते हैं। इसको ओनली फॉर हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपल जानना है क्या, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, है ना, ये सारा चीज़ क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सही से वर्क करवाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, तो जिस सॉफ्टवेयर के जरिए हम किसी वर्क को करते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ये सब क्या है, हम लोग इस पर कोई वर्क को करते हैं, है ना, और हमें हेल्प करता है किसी वर्क को करने में, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको जानना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, तो बस हम लोग इस वर्ड को जान रहे हैं, ठीक है। और पूरा तरीके से अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो एक एक करके हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ वर्ड को आप जानिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, UPS। UPS होता क्या है, अनट्रूपेबल पावर सप्लाई। ये क्या होता है, जैसे कि आप के पास कंप्यूटर है और वो डायरेक्ट बिजली से वो चल रही है, अगर उसमें आपने UPS नहीं लगा रखा है तो क्या होगा ना कि जैसे बिजली कट होगी तो वो सिस्टम एकाएक बंद हो जाएगा, है ना। अगर UPS अगर आपने लगा रखा है तो वो आपको बैकअप देगा कुछ देरों के लिए, आधा घंटा एक घंटा, उसके अंदर में आप अपने वर्क को सेव वगैरह करके रख सकते हो, ठीक है ना, या उसको कंप्लीट कर लोगे, तो ये क्या करता है, बैकअप देने का काम करता है। आगे बात करें हम, फिर यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ये क्या होता है, जैसे आप जब वर्क करते हो कंप्यूटर पे तो आपको सबसे पहले हार्ड कॉपी वगैरह दिया जाता है कि इसको आप इसमें एंट्री कीजिए या टाइप कीजिए वगैरह कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो जब हम जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक साइड बुक है और एक साइड आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, तो जो प्रिंट होके जो पेज आता है वो आपका हार्ड कॉपी हो गया, और जो आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लिखते हैं, कंप्यूटर में जो शो करता है, जो फाइल वगैरह होती है, जैसे PDF आपने सुना होगा, है ना,
या किसी भी चीज़ का फाइल, तो वो जो पीडीएफ फाइल है सब जो है वो सब आपका सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। और जो जब आप उस पीडीएफ को प्रिंट करते हैं, प्रिंट जब पेज पे हो जाता है तो वो आपका हार्ड कॉपी में बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई पूछ दिया कि हार्ड कॉपी अगर कहीं भेजना है तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा या फिर सॉफ्ट कॉपी में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो आपने क्या कहना है कि हार्ड कॉपी में ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि अगर कहीं भेजेंगे तो किसी व्यक्ति को जाना होगा लेके, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में क्या होगा कि आप इस फाइल को किसी को मेल कर सकते हो और सेकेंडों में तुरंत चला जाएगा, तो आसान है भेजना सॉफ्ट कॉपी जो तुरंत हम किसी को भेज सकते हैं। तो मेरे को समझाने का ये था मतलब कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आपने समझ गया होगा। तो चलिए, ये आपका बेसिस ऑफ कंप्यूटर का कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है ना, और अच्छे तरीके